रक्षा, कन्याओं की करो सुरक्षा। मानव धर्म की क्या पहचान, अन्न का आदर करे इंसान। मानव धर्म की क्या पहचान, अन्न का आदर करे इंसान। मानव धर्म की क्या पहचान। नमस्कार, मैं हूं भावना रावत और आप देख रहे हैं ऑल जोन टाइम्स न्यूज। कोरोना काल के दौरान जहां हम सभी घरों के अंदर रहकर अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो वही हमारे कोरोना वॉरियर बाहर निकल कर दूसरों की जिंदगी बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। जी हाँ, आज इसी जज्बे को सम्मानित करने के लिए अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल के निर्देशन में महिला मंडल दिल्ली इंटरनेशनल वुमेन डे के खास उपलक्ष्य पर सभी कोरोना वॉरियर को सम्मानित करेंगे। तो चलिए आपको भी इस खास कार्यक्रम में लेकर चलते हैं। नारी का सम्मान सृष्टि के नियम के दो तत्व है, सृजन और संहार। सृजन चेतना के प्रतीक नारी, सर्वाधिक गौरवमय पद मात्र पद। वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, महापुरुषों की जन्मदात्री भी एक नारी होती है। आज वुमेन्स डे के खास उपलक्ष्य पर हमारे साथ तेरा पंथ महिला मंडल के अध्यक्ष निर्मला कोठारी जी मौजूद हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। मैम, सबसे पहले तो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि महिला दिवस पर आप सभी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? ये हमारी सोच, हमारे अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल की अध्यक्ष है श्रीमती पुष्पा जी बैद, हमारे अखिल भारतीय से जो प्रोग्राम आते हैं उनके नेतृत्व में, उनके निर्देशन में हम लोग ये हमारी 450 शाखाएँ हैं। आज 450 शाखाएँ पूरे देश में यही कार्य कर रही है। उनकी तरफ से हम लोग को ये कार्य आया हुआ है कि COVID-19 में जिन डॉक्टर्स ने, अब डॉक्टर्स तो बहुत है पर हम लोगों ने कुछ को इनवाइट किया है, तो उन डॉक्टर्स ने COVID-19 में अपनी जी जान लगा करके हॉस्पिटल में हो कहीं भी हो बहुत मेहनत की है, तो उनके श्रम का थोड़ा सा हम कुछ सम्मान कर सके हमारी तरफ से, तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे। जी मैम, जैसे कि महिला दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के भारत में लड़कियां कितनी सुरक्षित है, आपको क्या लगता है? हम महिला दिवस पे हम यही देख रहे हैं कि आज की महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं, और जहाँ भी देखें महिलाओं के साथ अत्याचार होते जा रहे हैं, कन्याओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। हम दिल्ली में भी इतना देखते हैं, रात को बसेस में, कार में, कहीं वैन्स में, कहीं पर भी अकेली गर्ल्स भी, लेडीज़ भी कोई ट्रैवलिंग नहीं कर सकती क्योंकि बिल्कुल अनसेफ है। तो हम महिला दिवस पर हम महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए हम यही बोलेंगे कि वो इतनी सशक्त हो जाए कि हम कंधे से बॉयज़ के, गर्ल्स जेंट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और वो अपना सुरक्षा, अपनी सुरक्षा खुद कर सके। तो हम ये वुमेन्स डे पे हम यही प्रेरणा देंगे कि सभी कन्याएं, सभी महिलाएं सशक्त बने। बहुत खूब कि सशक्त बनने की ज़रूरत है, क्योंकि आज का भारत चाहे कितना विकास कर ले, लड़कियों के लिए अभी भी सुरक्षित नहीं है। अगर एक लड़की कमजोर होती है तो लड़की तो खाली मनुष्य जाति में नहीं है, जानवरों में भी है, जिसमें शेर और शेरनी, जैसे कि कहा जाता है कि इस धरती का सबसे ताकतवर जानवर जो है वो शेर है। मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर स्टडी की और स्टडी करके मुझे पता चला कि हर रोज जब शिकार करने जाती है, खाना खोजने जाती है, वो शेर नहीं जाता, वो गुफा में बैठा रहता है, जाती शेरनी है, और वो ही खाना लेके आती है, और खाना लाके वो जो शेर पड़ा हुआ होता है गुफा में सबसे गेट पर, सबसे पहले उसको खाना देती है, उसके बाद अपने बच्चों को खाना खिलाती है। तो अगर शेरनी में इतनी ताकत है, इसी के साथ साथ जब हाथियां पानी पीने जाता है और उस हाथी का झुंड का जो नेतृत्व करती है वो एक हथनी होती है, और ये सब बातें सही है। तो अगर इतनी ताकतवर चीजें हमारे धरती पे हमारे सम्मुख में हैं, तो एक नारी पुरुष से कमजोर नहीं हो सकती। ये भारत की संस्कृति में जरूर है कि हम अपने पति से, अपने हस्बैंड से 2 कदम पीछे चलते हैं। शायद इसलिए चलते हैं कि उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि अगर मेरा हस्बैंड कभी गिरे तो उनको पकड़ने की, उनको थामने की ताकत सिर्फ मुझ में है।
आओ बहनों जागो बहनों आओ बहनों सूरज की किरणें युग धारा में प्राण भरे आओ बहनों जागो बहनों। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पुनः पुनः आप सबको बधाइयां। प्रतिवर्ष यूएनओ एक टॉपिक देता है पूरी विश्व को मनाने के लिए कि किस टॉपिक पे इस बार का इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट हो, तो इस बार की थीम है कोविड 19 समान अवसर, यानी महिलाओं में नेतृत्व क्षमता लीडरशिप ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो, ये यूएनओ ने दिया है टॉपिक। तो अखिल भारतीय महिला मंडल के तत्वावधान में दिल्ली महिला मंडल भी आज यही कार्यशाला कर रहा है। इस कार्यक्रम में आकर मैं अपने आप को बहुत ऑनर्ड फील करती हूँ, बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ, क्योंकि दिल्ली महिला मंडल की अध्यक्षा हमारे निर्मला जी की सहजता सरलता और स्नेह सिक्त शब्दों को तो अभी आपने सुना ही है, और इनकी जो मंत्री है मंजू जी वो और भी उससे ज़्यादा पोलाइट है। सचमुच एक मैसेज जाता है कि लीडरशिप कैसी हो, ऐसे लोगों जैसी लीडरशिप हो। इस महिला मंडल के प्रांगण में आके मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। करोड़ों की भीड़ में इतिहास कुछ लोग ही बनाते हैं, करोड़ों की भीड़ में इतिहास कुछ लोग ही बनाते हैं, वही रचते हैं इतिहास जो कठिनाइयों से नहीं घबराते हैं, वही रचते हैं इतिहास जो कठिनाइयों से नहीं घबराते हैं। जी नमस्कार मैम, सबसे पहले तो अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम श्यामा भांगड़िया है, मैं दिल्ली प्रदेश महेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्षा हूँ, और इस सत्र में हमारे बहुत से प्रोग्राम्स हुए जूम के माध्यम से, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था पिछले 2020 में, तो हमने जूम के माध्यम से एक 61 डेज के लिए कंटिन्यूस क्लासेस की, जिसमें हमने गोल्डन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मेरे साथ है मेरी सहभागिता में हर चीज़ में भागीदार मेरी लक्ष्मी जी बाहेती, मेरी बड़ी बहन, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम सबसे पहले तो हम आप दोनों से यही जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि हमारे देश में लड़कियां कितनी महफूज है? जो मोदी जी का नारा चल रहा है उस हिसाब से तो मतलब काफ़ी कुछ बदलाव आया है लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर काफ़ी कुछ सहूलियत मिली है, हर तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, तो काफ़ी कुछ बदलाव है। और थोड़ा जब हम खुद अपने में बदलाव करेंगे तभी हम सबके साथ, केवल अकेले मोदी जी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि साथ में अगर हम नहीं होंगे तो मोदी जी आकर आपको नहीं बचाएंगे, लेकिन हमें अपने लिए अपनी अवेयरनेस लानी बहुत ज़रूरी है। ये बहुत खूब बात कही है कि हमें खुद अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि मोदी जी नहीं आएंगे जब हम लोगों को प्रॉब्लम होगी। दो महिला मंडल हमारे साथ खड़े हैं अभी, तो एक अहम सवाल कि महिला मंडल से मैम लड़कियां क्यों नहीं जुड़ती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है यंग लड़कियां क्यों नहीं जुड़ पाती हैं? तो ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इतने अच्छे काम में आप लगे रहते हैं और लड़कियों के लिए ही आप कार्य करें, क्योंकि आने वाली जो लड़कियां पीढ़ी हैं उनको इनका फ़ायदा होगा, तो नई लड़कियों को भी इससे जुड़ना चाहिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि हम जो महिला संगठन ऑर्गेनाइज़र हैं, हम लोगों को अपने बच्चों, अपने बहू, अपनी बेटियों के हिसाब से अगर हम कोई प्रोग्राम्स लेते हैं, उन लोगों की सहभागिता हमें तभी पॉसिबल है जब हम उन लोगों के हिसाब से कोई प्रोग्राम संग लेंगे। हम सोचते हैं हम परसों से जो चल रहा है हमें ये पर्टिकुलर यही प्रोग्राम फिक्स है और यही प्रोग्राम लेना है, तो उसमें बच्चे आज के नहीं जुड़ते, क्योंकि उनको प्रैक्टिकली हर चीज़ नॉलेज है, वो प्रैक्टिकली हर चीज़ को देखते हैं समझते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनको लगता है कि नहीं। और आज ये बदलाव आया है संगठनों में, आज हमारे साथ पिछले साल भर में जितनी बहु बेटियां जुड़ी हैं, चाहे वो वर्चुअल है चाहे वो फिजिकली, अब हम लोग शुरू करेंगे लेकिन वर्चुअली हमारे साथ में बहुत से प्रोग्राम्स हुए, बहुत सी कॉम्पिटिशन्स हम लोगों ने अपने महिला संगठन में की, और उसमें हमारे बहु बेटियां बच्चे जुड़े, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा बदलाव है। और आगे भी हम यही चाहते हैं कि अगर हम बच्चों के अकॉर्डिंग कोई प्रोग्राम लेते हैं
हमें बच्चों के साथ भी लेना है और बच्चों के अकॉर्डिंग भी लेना है, लेकिन हम अपनी चीज़ें बच्चों पे ना थोप कर अगर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहेंगे तो बच्चे हमारे साथ डेफिनेटली जुड़ेंगे। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं की उपलब्धि व सम्मान के तौर पर मनाया जाता है। घर को स्वर्ग बनाती नारी, महिला क्या है? घर को स्वर्ग बनाती नारी, घर की इज्जत होती नारी, देव भी करते पूजा जिसकी, ऐसी प्यारी मूरत है नारी, क्योंकि नारी में नीत है इस सृष्टि की शक्तिशाली। अपने हौसले और कर्तव्य से नारी भर रही उड़ान, अपने हौसले और कर्तव्य से नारी भर रही उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान। अभी हमारी कन्या मंडल ने हमको बताया कि कैसे लॉकडाउन में सब लोग आराम से सब काम कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं का काम बढ़ गया, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं, कभी कोई गिला नहीं, ना कोई शिकायत ना कोई थकान, नई डगर नया सफर, यही है नारी की पहचान। नारी ये कोई सामान्य शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा सम्मान है जिसे देवत्व प्राप्त है। नारियों का स्थान वैदिक काल से ही देवतुल्य है, इसीलिए नारी की तुलना देवी देवता या भगवान से की जाती है। अगर रहता है जहन में हर क्षण, कोरोना का कहर सह रहा हर शहर, कोरोना का कहर सह रहा हर शहर, पर यदि बात करें हम किसी घरेलू महिला की, वहाँ भी है कुछ नई स्थिति। यूं ही एक घरेलू महिला से बात हुई, मानो एक नए ही काल की शुरुआत हुई। कोरोना में सबको मिला आराम है, परंतु महिलाओं के लिए तो वही थकान भरी शाम है। बच्चों की तो हो गई स्कूल से छुट्टी, पुरुषों को भी मिल गई दफ्तर से मुक्ति, पर महिलाओं के तो काम में हुई है बढ़ोतरी। पूरी शक्ति से महिलाओं ने सबको संभाला, अपनी अष्टभुजाओं से ये काल भी निकाला। अब रूबरू हुए हम कुछ कामकाजी महिलाओं से जिन्होंने घर के साथ संभाली दफ्तर की जिम्मेदारी बखूबी। एक सरकारी ऑफिसर हूँ मैं, और क्योंकि आज कोरोना वॉरियर से सम्मानित किया जाता है तो मैं सिर्फ कोरोना की ही बात करूंगी। मैंने एक भी दिन की कोई छुट्टी नहीं ली है पूरे एक साल में। मैं संडे भी गई हूँ, मैं मंडे भी गई हूँ। मैंने 24 घंटे 7 दिन काम किए हैं। अभी भी आप देख रहे हैं मैं फ़ोन पे बिजी हूँ, क्योंकि किसी की डेथ हो गई है, मुझे बॉडी क्रिमेट करवानी है। मैंने पब्लिक ग्रीवियंस देखा है अस्पताल में, जिसके लिए मुझे अभी इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। और मैंने एक ऐसा काम किया है जो किसी भी पुरुष ने अस्पताल में लेने से मना कर दिया। वो काम जानते हैं ना, मॉर्चुरी। मैंने पूरे एक साल अपने अस्पताल की मॉर्चुरी हैंडल की है, जिसमें डेड बॉडीज रखते हैं। मेरे दादाजी जो हैं वो स्वतंत्रता सेनानी थे, और मेरी फैमिली पहली फैमिली थी जो कि गुरुकुल में भेजी गई थी, आर्य समाज के गुरुकुल के लिए। और पूरी फैमिली वहाँ भेज दी गई थी मेरे दादाजी द्वारा। और मेरे पिताजी को मेरे दादाजी ने एक चीज़ कही, जब हम पार्टीशन के बाद यहाँ आए, कुछ नहीं था हमारे पास, मेरे पिताजी ने डॉक्टरी करी थी गुरुकुल से। उन्होंने लड़ाई लड़ी डॉक्टर बनने के लिए, क्योंकि नेहरू जी ने कहा कि आयुर्वेद की शिक्षा, ये जो मिक्स शिक्षा हम मानते नहीं हैं। कोर्ट तक गए, लड़े और माना कि हाँ जी ये डॉक्टर हैं। और उन्होंने ये चीज़ सिखाई मुझे कि एक डॉक्टर सिर्फ दवाई लिखने के लिए नहीं है, इलाज करने के लिए नहीं है, सबसे पहला काम है उसका कि मरीज की क्या परेशानी है वो जानिए, उसके बाद आपको पता लगेगा कि उसकी बीमारी क्या है, और उस बीमारी का आधा इलाज इस बात से हो जाएगा कि आप उसकी परेशानी समझिए। और इस चीज़ को जब तक आप नहीं करेंगे, आपका इलाज अधूरा रहेगा, मरीज चलता रहेगा, टंगता रहेगा, इलाज नहीं हो पाएगा। क्योंकि मरीज तभी आपके साथ हिस्सेदार बनेगा और इलाज कराएगा जब उसको ये लगेगा कि हाँ ये मेरी परेशानी समझते हैं। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो वुमेन को सेलिब्रेट करना और वुमेनहुड को सेलिब्रेट करना
ही जो है असली इंटरनेशनल वुमेन डे का मायने है कि बीइंग वुमेन हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में क्या है कि हम स्वयं ही अपना जो है अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर देती हैं, हम अपनी शक्ति को पहचानती नहीं है और दूसरों ने जो कहा उसको सत्य मानकर किसी ने हमारे लिए कोई जजमेंट पास कर दी, कह दिया अरे इसे तो बोलना नहीं आता, या बचपन में जैसे कि मैं जब चलती थी तो जरा आवाज़ ज़्यादा तो जैसे मुझे कहते थे कि भाई भूड़ चली सब घर हाला, ये तो चलने की तमीज़ ही नहीं है इसको, तो ऐसे ऐसे बड़ी सारे आपको भी जो है विशेषण मिले होंगे कि भाई अपने, तो उसको दिल पे नहीं लेना है, उसको अपनी यूनिकनेस समझनी है। इस ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी हम लोग स्त्री पुरुष हैं, तो हर कोई यूनिक है, तो जो आपको जिस चीज से छेड़ता है आप कहिए वो मेरी यूनिकनेस है। सारा परिवार विकसित करेंगे जब हम बेटियों को शिक्षित, तभी होगा सारा परिवार विकसित। सारा टाइम N95 मास्क पहन के, फेस शील्ड लगा के जब ओपीडी में हम लोग बैठते थे, फिर हम आईसीयू जाते थे, फिर हम ओटी में जब 2 घंटे सर्जरी करते थे, तो जब हम बाहर आते थे तो मुंह पे रैशेज होते थे, हाथों में बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे जब कपड़े धो के बर्तन धो के हम बाहर आते हैं उस टाइप से लगता था, और वो बहुत डिफिकल्ट टाइम थे। ये तो हॉस्पिटल में चल रहा था, लेकिन 3 महीने होते होते जून के अंत तक मुझे भी कोविड हो गया और सिम्टम्स कोई नहीं आए, लेकिन जैसे पोस्टिंग के बाद हम लोग हमेशा अपनी टेस्टिंग कराते हैं, तो मुझे भी टेस्ट कराया और पॉजिटिव निकला। तो उसके बाद वो जो जंग थी ना वो पर्सनल ज़्यादा हो गई। आई एम बेसिकली फ्रॉम द आयुष डिपार्टमेंट, मैं आयुर्वेद की फैकल्टी हूँ, आयुर्वेद में डॉक्टर हूँ। पहले जब सुना था कि भैया आयुर्वेद है तो क्या होगा, इससे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब कोरोना का टाइम आया देन आई केम टू नो कि आयुर्वेद हैज इमर्ज एज ए वेरी गुड ब्रांच। वो काढ़ा जिसको कि हम नॉर्मल सब कहते थे चूर्ण चटनी है काढ़ा है, ये नहीं काम करेगा, और मुझे लगा कि वाकई नहीं काम कर रहा है, बट वी जस्ट हैव टू गिव इट अ गुड साइंटिफिक शेप विच इज स्टिल रिक्वायर्ड। नमो अरहंतानम ओ पंचन मोकारो सर्व पाव प्रणासनो मंगलानं च। कोरोना में सिर्फ मैं अपने बारे में बात नहीं करूंगी, आप लोगों का भी जो समय है, सब लोगों का जो काम है बहुत मुश्किल भरा रहा है, क्योंकि सब लोग बच्चे घर में हैं, हस्बैंड घर में हैं, बाहर सब कुछ बंद है, कुछ सामान मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगी अस्पताल में मरीज देखने के साथ साथ कोविड फाइट करने के साथ साथ 3 या 4 बार मैंने टेस्ट कराया, एक बार मेरा टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव आया, तो कई बार टेस्ट कराने पड़े। और जैसे परमानेंट रिहैब का जैसे मैम ने बताया कि मैं कोविड वाले जो मरीज़ हैं उनका रिहैबिलिटेशन करती हूँ, तो जैसे टेस्ट नेगेटिव होता था उसके बाद वो मरीज हमारे पास आते थे। महिला दिवस के इस खास अवसर पर चलिए आपकी मुलाकात अब एक खास शख्सियत से करवाते हैं। नमस्कार मैम। हाँ नमस्ते जी। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मैं डॉक्टर वीना आचार्य हूँ, बाय प्रोफेशन मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, और आई बिन वर्किंग फॉर लास्ट 20 ईयर्स एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, एंड करेंटली फॉर लास्ट 6 ईयर्स आई एम वर्किंग एज IVF स्पेशलिस्ट इन गंगाराम हॉस्पिटल। जी तो मैम सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज के इस खास कार्यक्रम में सभी डॉक्टर्स को सम्मानित किया जा रहा है, जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं आप उनमें से एक हैं, तो कितना मुश्किल था पिछला साल आपके लिए, क्योंकि जब हम सब अपने घरों में थे तब आप बाहर निकल के दुनिया की सेवा कर रहे थे, लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो कितना हार्ड था? क्या फैमिली ने आपको रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि फैमिली भी उस टाइम पर काफ़ी डरी हुई थी? डिफ़िकल्ट था, शुरू में बहुत ज़्यादा डर था, और एक्चुअली
कुछ हफ्ते हम भी घर पे थे तो बहुत अच्छा लगा घर पे रह के, लेकिन सून वी वर कॉल टू द हॉस्पिटल कि हमें ड्यूटी पे जाना ही है. और फिर उसके बाद फैमिली बहुत डरी हुई थी, मेरा बेटा, तो उसने कहा कि मम्मा आप रिज़ाइन कर दो, अभी आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है और आप रिज़ाइन कर दो, अब मैं आपकी रिस्क नहीं ले सकता. ही वॉज वरिड अबाउट माई एज, है ना, कि 50 प्लस हो आप तो आपका यू नो इट्स नॉट सेफ फॉर यू. बट आई थॉट कि इस टाइम पे रिज़ाइन करना वो बहुत ही, मतलब मैं अपने आप को कंफर्टेबली फील करूँगी कि मैं इतनी सेल्फिश हो जाऊँ कि जब ज़रूरत है, एक एक डॉक्टर की ज़रूरत है और मैं रिज़ाइन करके और घर पे बैठ जाऊँ. तो फिर मैंने कहा नहीं, अभी नहीं, अगर करना भी होगा तो मैं एक साल बाद करूँगी, लेकिन अभी नहीं करूँगी. एंड इन आई बी सेफ, मतलब आई प्रोमिस माई फैमिली दैट आई विल टेक केयर, आई विल बी सेफ. और शुरू में बहुत डिफिकल्ट था हर चीज़ से अडेप्ट करना, बिकॉज फियर भी ज़्यादा था उसमें. मैम एक सवाल आपकी महिला मंडल को लेकर भी करना चाहेंगे कि पूरे वर्ष में आपके महिला मंडल ने क्या क्या कार्य किए, ये सारी चीज़ें हमारे दर्शक जानना चाहेंगे. हमारे पूरे साल में महिला मंडल जो कार्य कर रही है, पहले सबसे पहले आया हमारे 2 अक्टूबर को हमने कार्य किया प्लास्टिक फ्री अभियान, जो वो कार्य किया उस कार्य में हमें ओम बिरला जी ने बहुत सराहना की उस कार्य के लिए. और प्लास्टिक फ्री वाला जगह जगह पर हर क्षेत्र में हमारी 9 संयोजिकाएँ हैं, क्षेत्र वाइज बनाई, सब ने बहुत अच्छा कार्य किया, तो उस तरह उसका काम किया. फिर उसके बाद में जो हमारे यहाँ पर जितने भी कार्यक्रम चलते हैं ज़्यादातर आध्यात्मिक होते हैं, थोड़ा एंटरटेन भी रहता है, आध्यात्मिक होते हैं. उसके बाद में कोरोना काल आया, उस कोरोना काल में हम लोगों ने जूम के माध्यम से 25 करीब क्लासें हमारी जूम के माध्यम से हुई, अलग अलग जो भक्त हमारे जो प्रतिक्रमण भक्तांबर सामायिक जो भी कार्य चलते हैं वो कार्य हम उस जूम के माध्यम से ही किए. उस बीच में भी खाने की डिशेज है, कोई साड़ी का काम है, ये सब बीच बीच में ये भी चलता रहा, खाली आध्यात्मिक तो नहीं चलता है. अब ये है हमारी जो योजनाएँ हैं, ये योजनाएँ जैसे बेटी बचाओ है, बेटी पढ़ाओ है, अन्न बचाओ है, पानी बचाओ है, पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ, ये जो योजनाएं हैं इन योजनाओं पर हम भी काम करते. कोई भी जैसे एंटरटेनमेंट का कोई प्रोग्राम किया, होली का ही प्रोग्राम किया, तो उसमें हमने पर्यावरण को साथ ले लिया, उसमें हमने पर्यावरण के साथ वो गिफ्ट्स भी उसी तरह प्लांट दिए कि भाई एक संदेश जाता है पर्यावरण बचाओ के लिए. और बाकी अभी भी जो कार्यक्रम चल रहे हैं सारे, अभी पहला कार्यक्रम है कोरोना के बाद में जो कि हमारे ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का. अब हम और परिवार में बहुत कुछ सिखाया ये कोविड-19 में, परिवार में किस तरह एक साथ रहना, जो कि दूरियां बढ़ गई थी, सब अपने अपने रूम में रहते थे, और विशेष करके पुरुष जो हमारे साथ रहे, हम उनके साथ हैं लेकिन वो हमारे साथ जो 24 घंटे रहे, बहुत उनके काम में हम लोगों को सहयोग मिला. दूसरा वो भी जान गए कि महिलाएं घरेलू जो है वो बहुत काम करती है, उन्हें भी थोड़ा बहुत तो समझ आया ही होगा ना, नहीं तो हमें सही होता है. महिलाएं आज़ाद है, सारा दिन बाहर घूमती है, बहुत अच्छा संदेश है ये महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए कि पुरुष और महिलाएं कैसे मिलकर के कोविड-19 में एक दूसरे के सहयोगी बन करके घर परिवार में रहे हैं. तो देखा आपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर तेरा पंथ महिला मंडल ने कितने खास कार्यक्रम का आयोजन किया. आज सभी कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया और हम सबको एक सीख दी कि हमें किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए एक दूसरे को साथ लेकर. तो आप सभी को भी इंटरनेशनल वुमेन डे की हार्दिक शुभकामनाएं. इस सेगमेंट में फिलहाल इतना ही, ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए ऑल जोन टाइम्स न्यूज और साथ ही पढ़ते रहिए ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र.